हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, देखिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल लिस्ट, और फाइनल लिस्ट के बाद होगा आपका मेडिकल। काफी हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आश्वस्त हैं कि लिस्ट में नाम आ जाएगा, वो अपने मेडिकल की भी तैयारी साथ में कर रहे हैं। आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर हो या कांस्टेबल हो, मेडिकल टेस्ट कैसा होता है? अभी तक कुछ हमारे साथी तो ऐसे भी हैं जो ये पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में मेडिकल भी होगा। देखिए बिल्कुल मेडिकल होगा, कोई भी स्टेट पुलिस हो या कोई भी यूनिफॉर्म सर्विस हो, मेडिकल वहाँ जरूर होगा। पहले कभी ऐसा होता था कि दिल्ली पुलिस अपना कांस्टेबल या जो भी रिक्रूटमेंट होते थे उनके मेडिकल CAPF को दे दिया करती थी, क्योंकि ये सभी फोर्सेज CAPF और दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अधीन आती हैं। ITBP ने मेडिकल कंडक्ट करवाए पहले 2016 की जो थी उसमें, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें मेडिकल कैसा होता है? देखिए कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लिखवा कर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आप लिखवा कर नहीं ले जाएंगे, आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वहां से दिया जाता है, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में आप अप्रोच करते हैं। वहां पर मेडिकल जूरिस्ट, जितना भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहां पर एक मेडिकल जूरिस्ट यानी 3-4 डॉक्टर का बोर्ड एक होता है, उस रूम में आपको अप्रोच करना होता है। एक पर्ची कटती है आपकी, जैसे हमारे यहाँ पे देखो 545 या कुछ ऐसे रुपए की पर्ची कटती है हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और उसके बाद वो अब पर्ची जो है वो अलग अलग हो सकती है। अब आपको मेडिकल जूरिस्ट उसमें मार्क कर देते हैं सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके, कि ENT कहीं है तो उसको कि 19 नंबर रूम है, आई जो है वो 22 नंबर रूम है, वो उसमें लिख देते हैं कि इसमें आप अप्रोच कीजिए। तो वो सब कुछ हो गया, डायग्नोसिस पूरा होता है सर्जन का, ऑर्थो का, स्किन का, सब का। तो देखिए यदि हम कंपैरिजन करते हैं इन कंपैरिजन विद CAPF, BSF, SSC, GD ये सब इनके साथ, तो दिल्ली पुलिस का मेडिकल जो है वो कहीं ना कहीं उनकी तुलना में हार्ड होता है। हालांकि होता सिविल हॉस्पिटल में है या पैनल्ड हॉस्पिटल में है, लेकिन सभी पॉइंट्स अपना स्पेशलिस्ट ही चेक करता है। जबकि CAPF में क्या होता है, एक डॉक्टर मेडिकल चेकअप आपका करेगा, यदि कोई पॉइंट बन गया तो उसको रीमेडिकल। अब क्या फिट होगा, अब किसी का आई में, ENT में प्रॉब्लम है, किसी का सपोज करें कि टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है, तो उसका क्या होगा? अब उसका क्या होगा कि जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो ENT स्पेशलिस्ट ने देखे लिख दिया, वापस गया मामला MG मेडिकल जूरिस्ट के पास। मेडिकल जूरिस्ट से भी यदि वो बाहर है मेडिकल जूरिस्ट की, इसमें ये कान का पर्दा इनका खराब है, इसमें हम फिट नहीं कर सकते, तो वो उसको अनफिट कर देते हैं। तो ये बात कि क्या मेडिकल जो है वो आसान होता है या हार्ड होता है, मेडिकल आसान या हार्ड नहीं होता, मेडिकल देखिए आपका पॉइंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो जो आप लोग जानना चाहते थे कि क्या आपके यहाँ पे कैसा होता है, तो हमारे यहाँ पे देखिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का ओपिनियन दिया जाता है, कंप्लीट मेडिकल चेकअप, डायग्नोसिस, जैसा आपका मेडिकल गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट मेडिकल चेकअप होता है। उसके लिए आप इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क कर सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है, देखिए इसी महीने में 15 तारीख के आसपास आपकी मेरिट अपडेट हो जाए, और उसके बाद आपके मेडिकल की डेट, यानी आपको एक डेट देके आपको सेंटर पर बुला के डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए जाते हैं। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट जो आश्वस्त हैं उनको देखिए अभी लापरवाही नहीं करनी है, आप इसमें अपने मेडिकल की तैयारी करें, बने रहें चैनल के साथ, और फ्री मेडिकल चेकअप के लिए आप इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी दिया है, किस तरीके से मेडिकल चेकअप हमारे पास होता है वो सब भी आप देख सकते हैं। चाहे नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं, और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब,
अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।